जोमैटो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट को खोजने मतलब कि सर्च करने और फूड डिलीवरी की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जी हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सन 2008 में इसकी शुरुआत की थी और आज के समय में इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वह लगभग 600.65 बिलियन इंडियन रुपीज़ की हो गई है और इस कंपनी के अंदर आज लगभग 5000 से अधिक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और साथ ही साथ ये कंपनी आज पूरे विश्व में मतलब कि 24 देशों में ये अपने बिजनेसेस को रन कर रही है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोमैटो जिसकी शुरुआत एक छोटे से शहर दिल्ली के गुड़गांव में हुआ था और वो मात्र 10 से 12 साल के अंदर आज 23 से अधिक कंट्रीज में अपने बिजनेसेस को रन कर रहा है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं जोमैटो की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जोमैटो की शुरुआत साल 2008 में दीपेंद्र गोयल जी और पंकज जी ने मिलकर किया था। शुरू में इस कंपनी का नाम फूडी बे था और इसका आइडिया उन्हें तब आया जब वे रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन वे इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। तब दीपेंद्र जी को एक ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना एक इंटरनेट डायरेक्टरी बनाया जाए रेस्टोरेंट के मेन्यूज का और उनके कॉन्टेक्ट का, जिससे कि जिसको भी कोई भी ऑर्डर करवाना हो तो वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकता था उनके कॉन्टैक्ट डिटेल से, और जो भी उनको मंगवाना था वो अपने मेनू से ऑर्डर करवा सकते थे और ये सभी ऑर्डर वे इंटरनेट की मदद से कर सकते थे। और इस आइडिया को लेकर पंकज जी और दीपेंद्र जी दोनों ने मिलकर इस आइडिया पर काम करने लग गए और देखते ही देखते इस कंपनी ने मात्र 9 महीने के अंदर फूडी वे जो था वो दिल्ली में लार्जेस्ट रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गया था और इस कंपनी के पास दिल्ली NCR के लगभग 1200 रेस्टोरेंट का डेटाबेस था। और दिल्ली में सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को मुंबई और कोलकाता जैसे शहर में भी अपने आप को एक्सपेंड किया और फिर साल 2010 में फूडी वे ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके जोमैटो का रख लिया। ऐसा नहीं था कि जोमैटो के पास कोई कंपटीटर नहीं थे, उस टाइम पर इनका सबसे बड़ा कंपटीटर हुआ करता था ब्रप, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रप मार्केट में पहले ही आया था, उसके बाद ही जोमैटो आया है। हालांकि दोनों का जो मेन वर्क था वो यह था कि रेस्टोरेंट के लिए नए नए ऑर्डर लाना, और दोनों कंपनीज ना तो खाना बनाती थी और ना ही उसे डिलीवर करती थी उस टाइम पर, और ना ही इन दोनों कंपनीज का रेस्टोरेंट पे कोई कंट्रोल था उनकी क्वालिटी से रिलेटेड, उनके फूड की क्वालिटी से रिलेटेड। तब भी जोमैटो को ज्यादा अटेंशन मिलता था क्योंकि जोमैटो को हाल ही में इन्फो एज की कंपनी के द्वारा 4.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला था और उसी टाइम पर नेटवर्क 18 ने ब्रप को 4 करोड़ में एक्वायर कर लिया था। इसके बाद जोमैटो तो इन्वेस्टर की नजर में ही आने लग गया और देखते ही देखते जोमैटो बहुत ही तेजी से फंडिंग गेन करने लग गया था। जैसे कि साल 2010 में इन्फोएज ने इसमें $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, फिर साल 2011 में 3 मिलियन का, फिर साल 2012 में 2.5 मिलियन का। ये तीनों इन्वेस्टमेंट 3 साल में लगातार इन्फोएज ने अकेले किए थे, लेकिन 2013 में इन्फोएज और सुकोविया कैपिटल ने मिलकर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया लगभग $47 मिलियन का। और फिर 2014 में इन्फोएज, सुकोविया कैपिटल और VY कैपिटल ने मिलकर $60 मिलियन का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। और फिर 2015 में इन्फोएज, सुकोविया कैपिटल और VY कैपिटल के साथ साथ टीमैक्स ने भी मिलकर $110 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन 2016 में इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, लेकिन 2017 में नीरज अरोरा ने इस कंपनी में लगभग $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। और देखते ही देखते इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 2018 में हुई थी, जो कि अलीबाबा की कंपनी आंट फाइनेंशियल सर्विसेज थी, उन्होंने $210 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से इस कंपनी की मतलब कि जोमैटो की जो वैल्यूएशन थी वह लगभग $1.1 बिलियन की हो गई थी, मतलब कि इसकी नेटवर्थ थी $1.1 बिलियन की हो गई थी। और फंडिंग मिलने के बाद जोमैटो ने अपने बिजनेसेस को बहुत ही ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और इस फंडिंग की ही मदद से जोमैटो आज 23 से अधिक देशों में अपने बिजनेसेस को रन कर रहा है। आखिर कैसे एक गुड़गांव की कंपनी आज 23 से अधिक देशों में काम कर रही है, आइए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जब जोमैटो को 2010 में फंडिंग मिलना स्टार्ट हुआ तब उसने अपने आप को पूरे भारत में एक्सपेंड करने लग गया। जैसे कि 2011 में जोमैटो ने पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड किया। और 2012 में जोमैटो ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, कतार, UK, फिलीपीन और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और फिर अगले ही साल 2013 में जोमैटो ने तुर्की, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया। और जोमैटो ने अपने एक्सपेंशन के साथ अपनी एक्विजिशन को भी चालू रखा, उन्होंने कई फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया ताकि वे अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर ले जा सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि इन्होंने साल 2014 में पोर्टुगीज कंपनी गैस्ट्रोनॉकी को एक्वायर किया था, उसके बाद इटालियन कंपनी सिबांडो को एक्वायर किया और इन्होंने ऐसे कई कंपनीज को एक्वायर किया जैसे कि मैकानिस्ट, अर्बन स्पून, और इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन
एक्विजिशन था एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल को जब इन्होंने एक्वायर किया तो ये अमेरिका में ही अपनी मार्केट शेयर को कैप्चर करने लग गए थे, और साथ ही साथ जोमेटो ने अपनी कंपनी के डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए इन्होंने मैपल ओएस जैसी कंपनी को भी एक्वायर किया, जिसकी वजह से कस्टमर अपनी टेबल को ऑनलाइन ही रेस्टोरेंट पर बुक कर सकता था और मोबाइल से ही अपने बिल्स को पे कर सकता था। और ऐसे इन्होंने कई ढेर सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पर्स लैब, रनर, टंगस्टन, टेक ईगल, उबर ईट्स जैसी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया। और इनका जो रिसेंटली एक्विजिशन था वह था ब्लिंकिट के साथ। जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ रुपए में ही एक्वायर कर लिया था, और ये सभी इनकी रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे कि इनकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाए। और जब उन्होंने 2016 तक अपनी एक्विजिशन किया था तब उन्होंने 2017 में जोमेटो ने अपनी यह राय रखी थी और यह क्लेम किया था कि वे अब जो 24 देशों में अपने प्रॉफिटेबल बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो उन सभी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि 81% की रेवेन्यू हर साल ये इंक्रीज करता रहेगा। और साथ ही साथ 2017 तक जोमेटो हर महीने लगभग 3 मिलियन ऑर्डर्स को वो गेन करने लगा था। और इस ग्रोथ को देखते हुए साल 2018 में अलीबाबा की कंपनी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने जोमेटो में लगभग $210 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से जोमेटो की जो नेटवर्थ हो गई थी वो $1.1 बिलियन की हो गई थी, और यह हमारे भारत देश की एक और यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। और आज के समय में इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वह लगभग है $2.2 बिलियन की, और इस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 600.65 बिलियन इंडियन रुपीज की हो गई है। और साथ ही साथ इस कंपनी के अंदर आज 5,000 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो यह रही एक ब्रीफ स्टोरी जोमेटो के बारे में। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।